सिट डाउन प्लीज बैठो। बॉस, आपके आने की खुशी में हम एक डांस पार्टी देना चाहते हैं। डांस पार्टी? अगर तुम लोग डांस पार्टी की बजाय कोई बिजनेस पार्टी देते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। बॉस, मैंने आपके जाने के बाद आपके बिजनेस को गिरने नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, तुमने मेरे बिजनेस को लिटा दिया, और लाजमी बात है कि लेटी हुई चीज गिर नहीं सकती। नहीं सर, मैंने जो कुछ भी किया लेकिन ऑफिस खुला रखा, इसे बंद नहीं होने दिया। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा किया तुमने कि इसे खुला रखा, ताकि जानवरों को अंदर आने में दिक्कत महसूस ना हो। देखो, मुझे तमाम अकाउंट्स इसी वक्त चाहिए, क्या खर्च हुआ, क्या आया, फौरन, अभी। सर, मैं सारी डिटेल साथ लाया हूँ, आप तो जानते हैं कि मैं कितना एफिशिएंट हूँ। पैसा खर्च करने में तुम बहुत एफिशिएंट हो। सर, हमने कुछ काम आपकी इजाजत के बगैर भी किए, ताकि पैसा खर्च ही ना हो, पैसा आए भी। उससे कुछ नुकसान जरूर हुआ, मगर सर पैसा आया भी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पूछ सकता हूँ कि वो क्या काम थे? हाँ सर, क्यों नहीं पूछे। सर, हमने अपने दफ्तर में शूटिंग करवाई और उसके चार्जेस भी लिए। सर, शूटिंग करवाई? अव्वल तो आप लोगों को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल, क्या चार्ज किया? सर, हमने उनसे 25,000 चार्ज किए। सर, 25,000, गुड। लेकिन सर, वो जरा थोड़ी सी ब्रेकेज भी हो गई। वो क्या भाई? सर, वो हमारा एक कंप्यूटर तोड़ गया, और डंडे वाला माइक था उससे हमारी चंद लाइटें भी टूट गई, और सर डायरेक्टर बार बार पान थूक रहा था दीवारों पर, इसलिए नया पेंट भी करवाना पड़ा। और तो और, वो एंड पर घोड़ा लेकर हमारे ऑफिस में आ गए। सर, करो बस करो, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। यानी कि ये मिला जुला के 1,00,000 सुपर का नुकसान हो गया। करेक्ट सर, यू आर ब्रिलियंट सर। अच्छा, शूटिंग से इस ऑफिस को बचाने के लिए आप लोगों ने क्या किया? फिर हमने इसको गेस्ट हाउस बना लिया सर। यानी कि ऑफिस को गेस्ट हाउस बना लिया? ये टेबल्स वगैरह पे बिस्तर बिछा लिए? करेक्ट सर, यू आर ब्रिलियंट सर। अच्छा, फिर आगे? बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था सर, ढेरों पैसे आ रहे थे, मगर सर एक बैड लक हो गई। वो क्या भाई? सर, एक साइंसदान को यहाँ ठहराया था हमने, उसके कोई गलत तजर्बे थे ना, ये हमारा मीटिंग रूम नहीं था सर, इसकी छत उड़ गई, और आपको तो पता है कि लेंटर कितना महंगा पड़ता है। यानी इस काम में भी 1,00,000 कमाया और 2,00,000 ऊपर लगा। सर, यू आर ब्रिलियंट। शट अप। सर, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया था, तो बिजली वाले मीटर काट के ले गए। मीटर काट के? तो ये लाइट इस वक्त जल रही है, बिजली का बिल कैसे पे किया? ना ना सर, बिल अदा नहीं हुआ, ये बिजली इस वक्त डायरेक्ट चल रही है। माय गॉड, इसका मतलब है कि हम लोग इस वक्त चोरी की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। करेक्ट सर, बिल्कुल सही। यू आर ब्रिलियंट। आई विल किल यू ब्रिलियंट। आई एम सॉरी सर। ओह माय गॉड, देखो पास्ट में जो हो गया सो हो गया। देखो, दुबई में मेरी एक पार्टी से मुलाकात हुई है, वो लोग यहाँ पर अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। क्या प्रोडक्ट है सर? ब्यूटी सोप है। सर, इस पर तो मैं बहुत ज्यादा आइडियाज दे सकता हूँ आपको। आइडियाज? प्लीज, तुम तीनों थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले जाओ, और अमरीन को मेरे पास भेजो। सर, अमरीन तो आज आई नहीं, उसको मैंने प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कहा था। सर, फोन करके पता कर लें। ओके ओके, मैं करता हूँ फोन, तुम बाहर। हेलो अमरीन, वो प्रेजेंटेशन के बारे में? हाँ बॉस, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं ऐसी प्रेजेंटेशन तैयार करूंगी कि आप देखते रह जाएंगे। और वैसे भी बॉस, आज का दिन मेरा बहुत लकी गुजरने वाला है, क्योंकि अभी तक मैंने रोम्स और राधे की शक्ल नहीं देखी। जी बॉस। बॉस प्लीज दुआ कीजिएगा, मुझे डाउट है कि बाकी दिन मेरा लकी नहीं होगा। ओके, आई कॉल यू बैक। गेस करो कौन आ रहा है। कौन आ रहा है मतलब? प्लेजेंट सरप्राइज। वैसे तुमने कभी प्लेजेंट सरप्राइज तो दिया नहीं, हमेशा शॉकिंग सरप्राइज देती हो। क्या क्या कहा तुमने? मैं शॉक। आई एम सॉरी, मेरा मतलब था कि तुम्हारा जो सरप्राइज होता है इतना प्लेजेंट होता है कि मैं शॉक रह जाती हूँ। देखा, मैं तुम्हें कहा था ना, प्लेजेंट सरप्राइज देने की आदत है मेरी। गेस करो कौन आ रहा है। देखो रोम, मैं इस वक्त प्रेजेंटेशन पर काम कर रही हूँ, और मुझे डिस्टर्ब मत करो, खुद बता दो कौन आ रहा है। मेरे प्यारे मामू जान आ रहे हैं। व्हाट? अभी तो वो आए थे और अभी वो गए हैं, अब फिर आ रहे हैं? देखो, लास्ट टाइम भी उनकी वजह से मैं डिमोशन होते होते रह गया था रोम,
नॉट फेयर। क्या मतलब है, मैं अपने प्यारे मामू जान को फोन करके कहूँ मामू जान आप ना आए? इट्स अनफेयर। देखो ना, लास्ट टाइम जो गाड़ी खराब हुई थी उन्होंने जानबूझ कर थोड़ी खराब की थी, वो तो अचानक यू नो को इंसिडेंट था, इत्तफाक, हादसा। वैसे ये अजाब कब तक रहेगा? मेरा मतलब है तुम्हारे मामू जान कब तक रहेंगे हमारे घर में? एक्चुअली मामू जो होते हैं ना वो हमेशा तुम्हें पता है शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, लेकिन इस दफा मैंने उन्हें लंबे अरसे के लिए रोक के रखना। तुम्हें पता है मुझे कितनी खुशी मिलती है मेरे मामू जान जब आते हैं उनके लिए? हाँ जी, जाहिर है मुसीबत को मिले मुसीबत कर कर लंबे। हाँ क्या? कुछ नहीं, तुमने मुसीबत कहा? तुमने सुना कि रोम क्या बता रही है? यार मैं फजूल बातें सुनने की कायल नहीं। फजूल बात क्या मतलब? तुमने तो कुछ सुना भी नहीं थी, बात फजूल कैसे हो गई? रोम की बात सुनने से पहले पता होता है कि बात फजूली होगी। अच्छा, पर मुझे तो रोम्स की बातें अच्छी लगती हैं, लाइक। हाँ, बेकार लोगों को बेकार बातें अच्छी नहीं लगेंगी तो और किसको लगेंगी? एक्सक्यूज मी, मैं देख रही हूँ कि तुम बिना वजह हम दोनों के खिलाफ हो रही हो मिस राबिया। नहीं यार, मैं तुम दोनों के खिलाफ नहीं हूँ। अच्छा क्या बात है बोले? वो क्या है ना, रूम्स के मामू आ रहे हैं। नाइस ना, वो भयानक। छोड़ो यार, मैं जा रही हूँ, मैं किसी होटल में जाकर रह लूंगी, क्या कहती हो? वेरी बैड राबिया, कैसी बातें कर रही हो? अगर रूम्स सुनिया तो क्या सोचेगी बेचारी? हट गो यार, उसने जो सोचना है सोचे, उसकी मर्जी, सोच पर भी पाबंदी थोड़ी हो। वाह वाह, शुरू कर दी ना अपनी फिलॉसफी। अच्छा छोड़ो, सुनो, हम ये करेंगे कि हम नहीं, तुम और सिर्फ। ओके, मैं सिर्फ मैं मामू जान को बाहर खाना खिलाने लेकर जाऊंगी। कैसा? गुड गुड, तो मामू को बाहर लेकर जाना चाहती हूँ खाने के लिए। हाँ और क्या, तो फिर तुम पता क्या करो, मामू को बाहर बाजार खाना खिला दो। वेरी फनी।